मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। और दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज, तो ये आज ब्लॉग नहीं है। आज मैं बना रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज वेट। तो जो भी मैं खाती हूँ वो आप लोग साथ शेयर करूँगी, या जो कुछ भी पीना खाना जो भी है, और वैसे वैसे करके आप लोग अपना वेट कम कर सकते हैं, कम से कम महीने में 3 से 4 किलो डेफिनेटली 100%। और मैंने ऐसे ही किया है। तो अभी बस मैं उठी हूँ, मैं बेसिक से बताऊंगी बिल्कुल, और कोई इसमें बिल्कुल मतलब रॉ और बिल्कुल रियल वाला व्हाट आई ईट इन अ डे है ये। तो बस मैं अभी उठी हूँ, और उठते ही सबसे पहले मैं पीती हूँ एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट 1 ग्लास पानी। आप गर्म ठंडा जैसा भी आप प्रेफर करें वो पी सकते हैं। और उसके बाद होंगी मैं फ्रेशन अप, देन उसका मेरा जो रूटीन है वो शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में और शुरू करते हैं। तो पानी वैसे तो सबको पता ही होगा कि आराम से बैठ के पीते हैं, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ। पहले आराम से बैठ के ये पूरा ग्लास पानी पीऊंगी और फिर अपने दिन की शुरुआत करूंगी। तो इसमें ये है कि देखो, अपने ऊपर टाइम देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपने 7 बजे अब सबसे पहले लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैंने यहाँ आपने देखा होगा जीरा भिगो रखा है रात को, और अगर भूल जाए तो कोई बात नहीं, आप सुबह भी इसको सोक कर ले थोड़ी देर। और फिर अब मैं इसको बॉयल होने दूंगी, और जब ये हाफ क्वांटिटी में हो जाएगा फिर मैं इसको इंटेक करूंगी। टाइमिंग रखी चीज़ों की, जैसे 7 बजे मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, फिर फिक्स है मेरा कि हाँ मुझे इस चीज़ इस टाइम पे ही लेना है, इस टाइम पे लेना है, इस टाइम पे लेना है। इससे आपकी बॉडी को पता चलेंगी चीज़ें। तो एक कंसिस्टेंसी से करें और पंक्चुअल रहें, डिसिप्लिन से करें चीज़ें, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आज इतने बजे कर लिया, कल इतने बजे कर लिया, ऐसे बिल्कुल भी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, होगा बट इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको अच्छा इफेक्ट लेना है तो टाइमली आप चीजें करें। और मैं यहाँ मेंशन करती रहूंगी कितने बजे क्या करना है। जैसे मॉर्निंग ड्रिंक आपको 7 बजे लेनी है तो मतलब लेनी है, वो 8 बजे ना करें, 6 बजे ना करें, वो एक्चुअल उसके टाइम पे ही लें आप। तो यहाँ मेरा पानी जो है ये उबल के आधा हो गया बिल्कुल, और इसे स्ट्रेन कर लेंगे बस। तो अगर याद हो आपको, मैंने बहुत बड़ा ग्लास लिया था। ये बन गई है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, ओवरनाइट सोक करके रखना है 1 चम्मच जीरा पानी में, और सुबह उसको बॉईल करके हाफ होने तक बॉईल करेंगे, और फिर उसको इंटेक करेंगे। और एक्चुअल टाइम पे ही करना है आपको, इससे आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी और बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो ना डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत इजीली कम होगा। तो मैंने यही घरेलू उपायों से अपना वेट कम किया, तो आप ट्राई करें और वेट डेफिनेटली कम होगा। अभी ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ मैं ओट्स। तो ये थोड़ा सा पानी लेना है, और पानी लेके उसमें थोड़े से 1 चम्मच डालना है ओट्स। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होगी, भाप आ रही है यार, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होने के बाद अब इसमें ऊपर से डालूंगी मैं एप्पल, और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है।
सो गाइज ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आप 8 से 9 बजे के बीच में किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप फ्रूट चॉप करें एप्पल और उसके ऊपर ये डालें और फुलफिलिंग लगेगा आपको, टेस्टी लगेगी ये, आप ट्राई करें। तो ब्रेकफास्ट में ये लेती हूँ ज़्यादातर। तो परवेश की थाली भी रेडी है आज, पनीर की भुर्जी है, आलू गोभी, पनीर स्टफ रोटी, गुड़ और थोड़ी हरी मिर्च। सो गाइस 11:30 हो गए हैं, तो आप 11 और 11:30 के बीच लेंगे अपना मॉर्निंग स्नैक। तो यहाँ पे है मेरा 1 ग्लास भर के जूस मौसमी का, और साथ में 5 से 6 बादाम भीगे हुए ओवरनाइट सोक करके। तो ये मॉर्निंग स्नैक में आपने 11 से 11:30 के बीच लेना है। तो ये मैंने छीन लिए अपने बादाम, अमेजिंग। मुझे लेना है लंच, और लंच में है पनीर, प्रोटीन होना चाहिए, आलू गोभी बनी थी, या कोई ग्रीन सब्जी ले सकते हो। आज आलू गोभी बनी थी तो घर में मैंने ये ले ली, ताकि अलग से ना बनाएं आप, अलग से मेहनत ना करनी पड़े। 1 रोटी विद घी, और ये है हमारी दही। तो ये पूरा लंच आप प्रॉपर लें, आप प्रॉपर एक मील लें, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से आपका पेट भर जाएगा, और वेट भी खा खा के कम करोगे। तो आप चिंता ना करें, वेट तो 100% ऐसी डाइट अगर आप हर एक महीना फॉलो कर लेंगे ना, तो आराम से कम होगा। 4 बजे हैं तो स्नैक का टाइम हो गया, और यहाँ मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मखाने को। देखो पेट भी भरेगा और हेल्दी ऑप्शन, और साथ में ग्रीन टी। तो इवनिंग स्नैक भी हो गया ड्राई रोस्ट, नो घी नथिंग, और हमारी ग्रीन टी। आप कभी कभी इसकी जगह चने के दाने, कभी पीनट थोड़े बहुत, तो बहुत सारे ऑप्शन है हेल्दी में। आप काले चने बॉईल कर सकते हो, उनके सैलड बना सकते हो, मुरमुरों की वो बना सकते हो, भेलपूरी टाइप्स, बहुत ऑप्शंस हैं। मूंग की दाल स्प्राउट्स खा सकते हो। तो अभी के लिए ये है, और डिनर में मिलते हैं अभी फिर आपको। तो अब डिनर का टाइम हो गया है, और डिनर में मैं खा रही हूँ आज पपाया, या तो हल्दी वाला आप दूध पी सकते हैं, या पपाया खा सकते हैं, या फिर चिल्ला खा सकते हैं। तो मैंने रोटी खाई थी, तो अब इस टाइम पे मुझे कार्ब्स नहीं लेने थे, इसलिए मैंने पपाया लिया, और पपाया से कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होता, और पेट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। और साथ में है ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन वाले थोड़े से, 2-2-3-3 दिन में से ले लूँगी, बाकी मेनली आपको पपाया ही खाना है। तो ये मेरा लास्ट मील ऑफ द डे है वेट कम करने के लिए, इसके बाद सोते हुए सिर्फ मैं गर्म पानी पीऊँगी, दैट्स इट, और फिर मैं कल ही खाऊंगी। तो ये लास्ट मील आप 6 और 6:30 से पहले ले लेंगे, हद से हद, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। सो गाइज अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे वाला अच्छा लगा होगा। यही घर का खाना खा के, और बिल्कुल होममेड कुक फूड, अपने आप घर का, अपने हाथों का बना हुआ फ्रूट्स रोटी, ये सब खा के ही मैंने वेट कम किया है। और आपके सामने है कोई, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, वो भी मैं शेयर करूंगी कि कितना मैंने कम किया, कितना टाइम लगा मुझे, और अभी भी मेरी जर्नी स्टार्ट है, अभी मेरी कोई खत्म नहीं हुई है। एटलीस्ट मुझे अभी भी 7-8 किलो और कम करना है मेरे हिसाब से, और वैसे अगर स्केल के हिसाब से जाऊं तो काफी अभी कम करना है, 10-15 किलो उसके हिसाब से, बट मुझे उतना वाला पतला नहीं होना है। तो अगर मैं 7-8 किलो और कम करूंगी, बस वो मेरे लिए बहुत है। बाकी आप लोग ऐसे ही फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो है ही, तो वहां अपने आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी हेल्प चाहिए मैं आप लोगों के लिए हूं, और बेफिक्र होकर आप कमेंट करें, और डाइट अच्छे से फॉलो करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं जैसे आज ये वाला वीडियो डाला, ऐसे मैं 21 डेज का चैलेंज कर सकती हूँ, या 1 महीने का कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और बाकी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाती रहूंगी, डालती रहूंगी, जो आप लोगों की हेल्प करेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आप वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।